Chappelle Cut. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द रेनबो ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा सेक्शन है वो है क्लास 4 का एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 आज हम करने वाले हैं। देखिए इसमें सभी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो डिटेल पे आधारित है, मतलब भाग पर उसी पे बेस्ड है, तो वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें 10 से डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करना है, यहाँ पे 1000 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इजी तरीका होता है जिसमें हम क्या करेंगे, जिससे हमें जो हमारा डिवाइजर है उसका टेबल बनाना है, इसे कहते हैं डिविडेंड और इसे कहते हैं डिवाइजर। अगर आगे जो कि अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिसमें डिविडेंड और डिवाइजर लिखा हो, मतलब ऐसा बीच में साइन बना के दिया गया हो, डिविडेंड और डिवाइजर दिया गया हो, तो आप समझ जाए इसे कहते हैं डिविडेंड और इसे कहते हैं डिवाइजर। हमने यहाँ पर मान लिया कि 10 के टेबल में 75 के लिए आता है, उससे छोटा क्या आता है 70, कितने टाइम में 7 टाइम में माइनस कर रहे हैं कितने बचे 5, अब हो गए 53 मैंने यहाँ के लिए लिया, ठीक है हो गए 53। अब 10 के टेबल में 53 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 50, तो मैंने यहाँ लिख दिया 50, 53 में से 50 का कितना बचा 3, ये हो गया आपको क्वांटिटी और ये क्या हो गया रिमाइंडर। आगे 1000 का टेबल ले लीजिए, 1000 का टेबल आपको पूरा दिखाई दे रहा है 1000 2000 3000 ऐसे ही पूरा 10,000 तक कंप्लीट हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 1000 के टेबल में 7830 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 7000, कितने टाइम में 7 टाइम में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7000। तो यहाँ पे क्या हो गया इसका क्वांटिटी और 830 क्या हो गया रिमाइंडर। ऐसे ही आगे यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है आपका डिविडेंड 9,5028, ये आपका क्या है डिविडेंड और डिवाइजर क्या है 1000 का टेबल आपको दिखाई दे रहा है। अब 9,502 इससे छोटा क्या आ रहा है 1000 के टेबल में, देखो पूरा टेबल आपको दिखाई देगा क्या आ रहा है 9000, यहाँ पे मैंने लिख दिया 9000 माइनस किया तो क्या है 502, फिर हमने यहाँ से देखिए कितना क्या 8, तो पूरा जो हमारा नंबर ही हो गया बन रहा है 5028। अब 1000 के टेबल में 5000 का आ रहा है 510, हमने यहाँ लिख दिया 5000 का आंसर कितना आया यहाँ पर 9528, और 5028 में से 5000 माइनस किया तो डिविडेंड सॉरी रिमाइंडर कितना बचा 28। अब आगे यहाँ पे देखिए डिविडेंड इज द राइट टू कंप्लीट एंड रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमें 3 डिवाइड किए हैं, सबसे पहले हमें 10 है यहाँ पे डिवाइजर, यहाँ पे डिवाइजर है 900 और यहाँ पे है 600। क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले टेबल बना ली जितने इजली इसको सॉल्व कर सके। अब यहाँ पे देखिए 10 का टेबल यहाँ पे शुरू से है, अब 10 के टेबल में 62 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है 60, कितने टाइम में 6 टाइम में, मैंने यहाँ पे लिख दिया 6.8 में, और ये यहाँ पर लिखा है 60, 62 में से 60 माइनस करें तो कितना बचा 2, ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर और ये क्या हो गया कॉन्टेंट। आगे 14,500, अब 900 के टेबल में 14,500 नहीं आता, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो 1450 से छोटा क्या आ रहा है, पूरे टेबल को अगर हम देखेंगे तो क्या आ रहा है छोटा 900, कितने टाइम्स में आ रहा है यहाँ पर 900 वन टाइम में, तो मैंने यहाँ लिखा 900 और बचा क्या रिमाइंडर 550। आगे अब 6000 का हमने यहाँ पर पूरा टेबल बना लिया है, देखो 6000 12000 18000 24 ऐसे पूरा 60000 तक का टेबल बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पर 99,000 ये 6000 के टेबल में नहीं आता था, उससे छोटी संख्या देखिए क्या देखा हमने 9900 आ रहा है, पूरे में कहीं नहीं आ रहा है, सबसे छोटा क्या आ रहा है 9000 से छोटा आ रहा है 6000, वन टाइम में हमने लिया 6000 और 9900 में से 6000 गए तो कितना बचा 3900, ये क्या हो गया रिमाइंडर और ये क्या हो गया कॉन्टेंट। ओके आगे ये हमारी एक्सरसाइज 5.7.3, अब ये देखिए फाइंड द कॉन्टेंट इन द रिमाइंडर। अब यहाँ पे 130 और यहाँ पे कितना रिमाइंडर है 553 का, अब जो जीरो वाले संबोध है टेबल को हमने इजिली बना लिए क्योंकि वो इजी थे, ये थोड़े टफ है। अब मैंने यहाँ पे कैसे बनाया टेबल यहाँ पे देखिए, मैंने क्या करा ये तो वन टाइम में था, अब 130 में जैसे मैंने 190 का भाग देकर ये संख्या लेकर आई तो ये 9 टाइम में है, ठीक है ऐसे ही पूरा मैंने टेबल बनाया है। 1030 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 236, फिर 1130 में सॉरी 1000 के लिए 130 में मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 226, फिर 130 में मैंने 3 का मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 339। इस तरह से पूरा टेबल मैंने बनाया है 9 तक, और 10 में तो हमको क्या करना होता है उनकी जो फर्स्ट में जो संख्या थी उसमें 0 ऐड करना होता है, मतलब 0 लगाना होता है। अब यहाँ देखिए 130 का मैंने डिवाइड किया है तो कैसा आया है 8
27, इससे छोटा अगर हम देखें क्योंकि 1000 में तो जाएंगे नहीं, बिकॉज ये 100 थ्री डिजिट वाला नंबर है, तो हमें 100 से लिया, मतलब 892, इससे छोटा क्या आ रहा है, उसमें सबसे छोटा आ रहा है 7 टाइम में 791, यहाँ पे लिया हमने 791, 892 में से 791 माइनस किया तो क्या आया 101, ऊपर से 7 के लिए ये 7 टाइम में आया, ठीक है, फिर हमने 7 के लिए कितना हो गया 1070, अब देखिए 130 की टेबल में 9 टाइम पे आया 1070, ये मैंने एक लिख दिया 1070 में से 1070 माइनस किए 9 टाइम्स में आए तो आंसर क्या आया 0, इसका कॉन्टिनेंट आया 79 और रिमाइंडर 0। आगे अब 153 का हम अगर डिवाइड करते हैं, यहाँ देखिए अब यहाँ पर देखिए ये कितना है 98,783। तो कितना बचेगा यहाँ पर 9, ये 9 बचा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे से कह दीजिए यहाँ कितना बचा 7 में से बन गया 6, फिर यहाँ से थोड़ा वापस चलने के लिए कितना हो गया 4, अब 694 से छोटा यहाँ पर क्या आ रहा है 4 टाइम पे आ रहा है 612, मैंने यहाँ पे लिख दिया 612 लिख दिया, 4 में से 2 में कितना बचा 2, 9 में से बन जाएगा कितना बचा 8, ठीक है 82 इसमें कहीं नहीं आ रहा है, फिर क्या है हमारा 28 और क्या है हमारा रिमाइंडर, ओके ये सब था इसके समझ में आया, डिविडेंड के आपको बता दिए हैं, आए हो कि आपको समझ में आ रहे होंगे, ओके जो इसके आगे के सवाल है उत्तर है आपकी प्रैक्टिस के लिए है, सो कंप्लीट योर फेयर कॉपी, ओके बाय एंड थैंक यू।